वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। ये देखे जी, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है आपस 9 का, और ये मुझे बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। जब ये जाता नहीं है ना किंडरगार्टन, तो ये बस ये और इसका ये काम होता है। कोकोमेलन बच्चों की लाइफ में ना होता तो क्या होता? क्योंकि ये कह रहा था, मम्मा यहाँ बैठ जाओ मेरे पास, यहाँ बैठ जाओ, मिलके देखते हैं कार्टून। तो आज मैं स्कूल ड्रॉप करने भी नहीं गई इंशा को, क्योंकि आज हस्बैंड चले गए थे, उनको हॉलीडेज थे, तो वो कहते कि चले मैं ड्रॉप कर आता हूँ। तो फिर मैं उठी तो अर्ली ही थी, लेकिन ये है कि बस नींद वैसे बहुत आ रही थी, क्योंकि बाहर नहीं निकली थी ना, तो फ्रेश नहीं फील कर रही थी, तो बड़ी नींद आ रही थी, इसने मुझे सोने भी नहीं दिया। तो फिर मैं कह चलें वो ड्रॉप करने गए, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि डेली जाती हूँ तो वो अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। तो बैदला क्या खाना है बेटा? आते पहुँचो, वुड वॉन्ट टू ईट तुफ, खाना तुफ, जूस पीना है, और खाना कुछ नहीं है, टोस्ट खाना, टोस्ट टोस्ट, ओके आई मेक टोस्ट फॉर यू। चलें जी फिर चलते हैं किचन में और कुछ बनाने की ट्राई करते हैं। ट्राई मतलब बनाते हैं कुछ, क्योंकि इसको भूख लगी है। तुम चेक हु इज इट, लेट्स सी ब्रेकफास्ट। ये क्या लाए हो आप? तो इसे तो ड्रॉप करने गए थे। यस, तो फिर उठा के क्या लाए हो? दिखाओ मुझे क्या क्या दिखाओ। अच्छा पैकेज ही गए हो? वाह जी बैदला, आज तो बना बनाया ब्रेकफास्ट आ गया। वाकई वाह जी वाह। अच्छा उन्होंने बॉक्स चेंज कर दिया है। ओके देख लो, हाँ मेरा तो आ गया है ब्रेकफास्ट। वाह जी वाह, इंशा को ड्रॉप करने गए थे तो वहीं पे है पैकेज, तो वहीं से मेरा ब्रेकफास्ट आ गया। वाह जी वाह, थैंक यू जनाब। हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा ये चने हैं, मिंट सॉस, अचार, पराठा, ऑमलेट। वाह जी वाह, और मेरी चाय। हेलो जी, मेरा तो आ गया ब्रेकफास्ट। कितना अच्छा लगता है ना जब हम भी हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, हॉलीडेज का फायदा तो हो। और थैंक्स अभी नाइस ना, अच्छा लगता है कभी कभी। अब उबैदला डू वांट टू ज्वाइन मी? यस यस, चलो जी उबैदला मुझे ज्वाइन करेगा, हस्बैंड भी ज्वाइन करेंगे। अभी आ जाओ, क्योंकि हस्बैंड का सेपरेट आया है खाना। वो भी अपनी पिंक टी ली है ना अपने, इंडिया पिंक टी एंड ऑमलेट, तो नाइस है इनका। मैं थोड़ा सा मेन्यू आपको, नाउ आई एम लुकिंग एट योर्स, आई एम फीलिंग हंग्री, आई शुड हैव गॉट पराठा देयर। सीरियसली मुझे होप नहीं थी, एंड आई तो फिर वो कहते हैं ना ब्रेकफास्ट सरप्राइज मिला है, तो मैं मेन्यू भी आपको दिखा दूँ। ठंडा हो रहा, तो देखिए ना मुझे खुद कितना अच्छा लगा, इतने मज़े का ब्रेकफास्ट था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद ये देखें, ये है पैकेज ब्रेकफास्ट यहाँ का हमारे एरिए का। तो ये बहुत ही मज़े का, डिफरेंट डिफरेंट बनाते हैं, और कोई इतनी प्राइस है भी नहीं, और डील के हिसाब से होता है। देखिए पराठा भी मिल जाता है, अचार भी मिल जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट पराठा भी मिलते हैं। मैं हैरान हो रही थी देख के, तचारी पराठा, आलू पराठा, कीमा पराठा, पिज़्ज़ा पराठा, चीज़ पराठा। तो वो कहते हैं ना कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए ना। बड़ा मुश्किल होता है ना, और शोर वगैरह होता है। yeah. जी तो मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर, और आपको लग रहा होगा है ये किसकी किचन है, मेरी सिस्टर की किचन है। तो मैं लेके आई समोसे, और जहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, कैसे फ्राई हो रहे हैं, तो बस हमने सोचा कि हम बैठती हैं, चाय वगैरह एंजॉय करती हूँ, साथ में कुछ तीखा तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने सोचा कि चले हम समोसे बनाते हैं और बैठती हैं। हाँ सैम साथ में क्या? साथ में सालन चने एग रेडी हो रहे हैं, चने एग, यस फ्रेश फ्रेश, एंड साथ चाय बन रही है, चाय बन रही है, वो भी देसी टी, भी हम देसी बन रहे हैं, तो देसी ये भी समोसे हो गया रेडी, साथ में चाय होगी, तो बस ये हो गया है। तो भी वेट कर रहे हैं दूसरी सिस्टर का, तो फिर एंजॉय करेंगे।
जी तो फिर सिस्टर आ चुकी थी, देन सब कुछ रेडी हो चुका था। और जी कहते हैं ना, जब कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तो आपको ज्वाइन करने वाला कोई ना हो, साथ देने वाला। तो फ्रेंड के यहाँ, सिस्टर के यहाँ चले जाएं तो वो आपको ज्वाइनिंग भी देंगे और मज़े का कुछ बना के भी देंगे। और वैसे भी साथ में चाय विद समोसा, वाह, जैसे चिक पीस बनाए थे फ्रेशली, और ग्रीन चटनी, रायता समोसे में ले आई थी, चाय उन्होंने बना ली, चिक पीस उन्होंने बना लिए। तो मिल बैठ के, ये एक छोटा सा बहाना होता है, मिल बैठ के एक साथ कुछ खा लिया और कंपनी भी मिल जाती है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है, देन छोटी सी गपशप भी लग जाती है, देन हमारा छोटा सा ये टाइम स्पेंड भी हो जाता है। इसलिए बस अचानक प्लान बना था तो हम इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे जी सिस्टर हमारी प्लेट्स रेडी कर रही है, चिक पीस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, और साथ में अनियन भी हो तो उसका भी मज़ा हो। लेकिन ये भी बहुत ही मज़े के रखते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने कहा चलें जी, आप प्लेट्स बनाओ और हम बस खाने के लिए जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं जी। तो मैंने इनको सरप्राइज़ भी करना है, तो लेट्स सी इनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। तो पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लूँ, कलरफुल सी प्लेट्स को फिनिश कर लूँ फिर। हाँ फ्रेंड, चाय पी लो और समोसे खा लो। अच्छा और वीडियो देखे तो चाहिए, वो फनी समोसे वाला ना आसान देखा तो समोसे समोसे बदतमीज सर। समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को समोसे कहते हैं, हमारे फ्रेंड क्या दिखाने लगी है हमें, अपने बाल दिखाओ, मेरे हस्बैंड ने कटिंग की है। हस्बैंड ने की है? क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोनों? हस्बैंड ने की है? हाँ, क्या बात है, एक्सपेक्ट तो ये करती है। यस इतने छोटे और इतना अच्छा खाएंगे, ये नहीं होने तेरे हाथ। हाँ छोटे हो गए ना, इतना छोटे इधर आ गया ना सैम, कितने हैं? सही है, नहीं हो गया। अब ये थोड़े हाँ, आहो, अब है सही है। हाँ जी, अच्छी जॉब की है भाई ने, पैसे बचाओ, घर बैठ के बाल कटाओ। और ये तो फिर मज़े के गपशप लगा के, उनको सरप्राइज़ करके फिर मैं घर आ गई थी इन शब को स्कूल से लेके। फिर जी आज है फ्राइडे, तो मैंने ना कुछ खाना तो था नहीं, हम फुल अप ऑलरेडी, तो गुंजाइश ही नहीं थी। तो बच्चों के लिए भी मैंने सोचा कैसे करती हूँ, कुछ स्पेशल बनाया नहीं था, तो नूडल्स ही बना देती हूँ, शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा आपको एक थिंग दिखाती हूँ। आप कह रहे होंगे इस कबर्ड को कुछ है, जो हैंडल है वो ऊपर है, नीचे होना चाहिए, और ये दरअसल इस साइड पे था और हैंडल नीचे था और ये ख़राब हो गया था काफ़ी। तो हस्बैंड ने कहा न्यू लगाने के बजाय एक तो छोटा डोर सा नहीं ना लगा सकते, तो ऐसा करती हूँ उसको अप्स एंड डाउन कर देता हूँ, मीन स्टिल यहीं रहेगा इस तरह से। चलें जी फिर अभी जल्दी से बना लेती हूँ नूडल्स इसके साथ ही। अच्छा जी, मैंने ना वाकई तो नूडल्स बनाना तो बहुत ही इजी है, तो बस क्विक पानी रख के तो नूडल्स के मैं अंदर डाल दूंगी, थोड़ा सा चाट मसाला या ब्लैक पेपर ऐड करना हो तो आप कर लें। तो ये कड़ी स्पाइसी वाली है, मैंने कड़ी फ्लेवर वाली स्पाइसी नहीं है जी। तो गाइस पता हुआ क्या था कि मैंने आपको पहले नहीं मेंशन किया था, और आज फ्रेंड्स को मैंने सरप्राइज़ किया तो वो शॉक्ड होगी टोटली कि हाँ इसे सिस्टर ने, मीन सिस्टर ने इतने छोटे बाल कट कर लिए हैं। मीन ना मैंने कभी भी शॉर्ट हेयर नहीं किए थे, मेरे हमेशा से लॉन्ग हेयर ही थे माशाल्लाह, और मुझे सूट भी करते हैं। तो इस पे लेकिन सॉरी, माजत के साथ मैं आप लोगों को अपने हेयर शो नहीं कर सकी, अगर मुझे होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। लेकिन इसके साथ ही पता क्या हुआ था कि मेरी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो नीचे से मैंने लास्ट टाइम पे लेयर कट किया था, तो लेयर कट की वजह से ना नीचे से काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था, तो थोड़े हो गए थे, तो मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं बड़ी अपसेट हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि इसका ना कट करती हूँ, थोड़ा सा इक्वल करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिए कि ताकि ना थोड़े से नाइस से ग्रो भी हो जाएंगे, और जब कट करते हैं तो फ्रेश भी हो जाते हैं जी। तो फिर मैंने सोचा कि सलून पे जाके 40-50 पाउंड स्पेंड करने के बजाय हस्बैंड से, पार्टनर से बात करती हूँ, क्यों हस्बैंड क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वाई नॉट, अगर हम उनके ही हेयर कट कर सकते तो वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैंने उनको दी सीज़र और मैंने कहा जी हेयर कट करें, तो उन्हें ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा से हेयर कट किया,
ये तो सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना होता है बस। तो इस तरह से मेरा हेयर कट भी हो गया और मेरा बजट का बजट भी हो गया। बेहतर डू लाइक दिस। मेरे बैदुला को ये नूडल्स बहुत पसंद है, इतने मजे से खाता है माशाल्लाह। ओके ये दोनों को देखिए, ये बड़ा क्यूट लगता है मुझे माशाल्लाह। लुक खालो खालो शाबाश। आज तो हमारा सिंपल सा डिनर था, कोई ना कुछ खास अरेंज किया ना मैंने, तो बस इसके साथ ही जी। ओ देखो हाँ, तो प्रॉपर नहीं हमारा हुआ, मैंने बस जल्दी जल्दी से बना के से अल्हम्दुलिल्लाह। नो चलें जी फिर। आप कहाँ हंस रही हो? चलें दोनों चीकी मंकी लगी हुई माशाल्लाह। मैं तो अपना खा के साइड पे हूँ अभी। ओके ओ ओके 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 खा तो रहा है, ओके उसको एंजॉय करने दो फूड। चलें जी मैं तो अब जाके नमाज पढ़ती हूँ, मैंने खा लिया था इसके साथ ही। चले जी मुझे दें इजाज़त, भी टेबल को क्लीन भी करना है। ओके जी कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़ बद्र, अल्लाह हाफिज़ का।